Hello students, welcome to another lecture of physics. We are discussing matter, right? Matter में कुछ topics रह गया था वो मैं आपको बता देता हूँ, right? And then we'll go for the question and answers and then we have objectives as well. ये kinetic theory of matter मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था. Now we are going to discuss arrangement of molecules in solid, liquid and gas. तो आप देखोगे यहाँ पे दूसरे slide में molecules in solid are कॉम्पैक्ट, बहुत ही क्लोज होते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर वेरी क्लोज. आपको पता है एक चीज, अब बहुत चीज मैंने बात बता दी है आपको, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड, लेस इन लिक्विड एंड वेरी लीस्ट इन गैस. ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा. अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखो नहीं दिख रहा है ना ज़्यादा इसमें, सॉलिड में बहुत कम दिख रहा है. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लेस इन सॉलिड, लिटिल मोर इन लिक्विड एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा है. तो गैस में बहुत ज़्यादा होता है, उससे कम लिक्विड और उससे सबसे कम सॉलिड. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी इज मोर इन गैस, लेस इन लिक्विड्स एंड वेरी लीस्ट इन सॉलिड. बिकॉज रैंडम मोशन में सबसे ज़्यादा कौन होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे. सबसे ज़्यादा रैंडम मोशन में गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी गैस के पास ही होगी. देयर आर सम डिफरेंसेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सॉलिड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स मैंने बता दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है. मॉडरेट अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, थोड़ा कम सॉलिड से, और गैसेस में वेरी वीक अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. देन पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, मतलब इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है इसमें, उससे ज़्यादा उसमें, इससे भी ज़्यादा. पार्टिकल्स वाइब्रेट इन अ प्लेस, एक प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं. पार्टिकल्स आर एबल टू स्लाइड पास्ट ईच अदर, थोड़ा बहुत पास मूव कर सकते हैं. वेयर इज इन दिस केस इट कैन ब्रेक, इट कैन मूव एनी वेयर इन साइड द मैटर, राइट. सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, राइट. लिक्विड इज इनडेफिनेट शेप. देखो कोई भी लिक्विड है ना, किसी भी शेप के कंटेनर में डालोगे तो उसका शेप ले लेगा, but it has a definite volume, whereas gas has indefinite shape and indefinite volume. बहुत important है, इसको आप याद रखना ही है और समझना भी है. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो बाकी थी, right? Let's move to next slide. I think मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी, right? We are going to discuss some questions. ठीक है, तो ये आपके स्लाइड्स में दिख रहा होगा, देयर इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. देयर आर नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. देखो आप अगर अभी फिलहाल अगर प्लाज्मा को नहीं गिने तो आपके स्टेट्स कौन से हैं, सॉलिड है, ठीक है, लिक्विड है एंड गैस है. प्लाज्मा के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब ऑफकोर्स इट्स अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वी नो, राइट. तो आप इन अभी जानने के लिए चार स्टेट्स ऑफ मैटर लिख सकते हो, फोर स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट. देन सेकेंड, पार्टिकल्स इन अ सॉलिड स्टेट आर कैसा होता है, लेस टाइटली बाउंड होता है, नहीं, एबल टू फ्लो, नहीं, मोर टाइटली बाउंड, येस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्री टू मूव, नहीं, सी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट. सो वॉट इज द करेक्ट आंसर, पार्टिकल्स इन सॉलिड आर more tightly bound, right? Then liquids have, देखो liquids में क्या क्या होता है आपको याद, अभी मैंने बताया था, liquids have definite volume, right? And indefinite shape. तो क्या क्या, देखो यहाँ पे definite shape नहीं, definite volume and shape, volume तो होता है shape नहीं होता है, definite volume but no definite shape. So option D is the correct answer, definite volume but no definite shape. So liquids have definite volume but no definite shape. Fourth question, particles in a gas have what, least kinetic energy, no, maximum kinetic energy, yes. Kinetic energy सबसे ज़्यादा किस में होता है, मैंने अभी बताया, kinetic energy सबसे ज़्यादा आपके gas में होता है, because molecules कहीं भी move कर सकते हैं, उसके बाद liquid में और उसके बाद solid में. ठीक है, boiling takes place at any temperature, no. Only at the bottom of the liquid, no. It's boiling point. हाँ, ये बात पता है आपको, boiling कब होता है, constant temperature पे होता है, कहाँ होता है, एक
कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और वो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसी पे ये बॉइल होगा, ठीक है। फ्रीजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज द फ्रीजिंग। देन सब्लिमेशन टेक्स प्लेस व्हेन, सब्लिमेशन कहां से कहां होता है आपको पढ़ाया मैंने, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर, बीच का मीडियम जो लिक्विड है वो नहीं होगा, सॉलिड टू डायरेक्टली वेपर, सॉलिड चेंजेस टू वेपर। डिपोजिशन इज द रिवर्स, व्हेन अ वेपर चेंजेस टू सॉलिड, डिपोजिशन इज रिवर्स व्हेन अ वेपर चेंजेस टू सॉलिड, राइट, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट फिलिप्स है, द स्टेट्स ऑफ मैटर आर आपको पता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस, राइट। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट रहता है, ये बहुत बार मैंने बताया है भाई, आप समझो कि अगर आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको आपने हीट किया, आपने हीट किया तो ये लिक्विड मूव, लिक्विड हो जाएगा, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। एक बार लिक्विड बनने के बाद आप इसको हीट करो तो आप उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर रहता है। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर सब्सटेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देन पार्टिकल्स इन अ गैस आर फ्री टू मूव, राइट। लिक्विड्स When cool changes to solid state, पता है आपको, देखो solid को अगर आप heat करोगे तो liquid में जाएगा, और liquid को आप cool करोगे तो solid में जाएगा, जैसे बर्फ बनता है ना ice आपके refrigerator में, क्या करते हो आप पानी रखते हो, and that you know cools, वो liquid को cool करता है, और क्या हो जाता है, वो solid बन जाता है, so liquid when cool changes to solid state, right? Naphthalene balls undergo process of sublimation and changes to gaseous state, देखो naphthalene balls, देखो कहाँ यूज होता है आपके यू नो सिंक में आप देखते होंगे एक यू नो बॉल्स रखा जाता है जिसको नैप्थलीन बॉल्स कहते हैं, यू नो इन ऑर्डर टू यू नो अवॉइड ऑल दोज इंसेक्ट्स एंड यू नो बहुत कुछ स्मेल यू नो ये एब्जॉर्ब कर लेता है नैप्थलीन बॉल्स, राइट। तो ये जो है ना ये सब्लिमेशन प्रोसेस है, इट चेंजेस टू गैसियस स्टेट डायरेक्टली, राइट, सो दिस इज अ सब्लिमेशन प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस। देन द बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट आर सेम, देखो एक बात समझो, एक मिनट बात समझो, देखो लिक्विड जो है ना, मान लो वाटर मैंने लिया, वाटर मैंने लिया, इसको हीट किया आपने, क्या किया, हीट किया, तो ये गैस बन गया, या मान लो वेपर बन गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जब कूल होगा, जब कूल होगा तब भी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही कूल होगा ना, वाटर बनेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो जब स्टेट चेंज होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहने वाला था, तो वाटर से गैस गया तो 100 डिग्री सेल्सियस था, अब जब गैस से वापस वाटर जब कूल होना चालू हुआ तो भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा, मतलब जो टेम्परेचर है द बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट आर सेम, राइट, सेम ही रहेगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लीस्ट, किसमें लीस्ट होता है, सॉलिड में होता है। पार्टिकल्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट, दिस इज नॉट लिब्रेट, दिस इज वाइब्रेट, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन, पार्टिकल्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन, ठीक है। सो ये आपके फिलिप्स हो गए। देन ट्रू और फॉल्स, Boiling is a slow process. False. It's a fast process. Evaporation is a slow process. Heat is absorbed during freezing. Heat is absorbed during freezing. No, it liberates. In freezing, heat is liberated. So it's false. Heat is given out during condensation. Yes, true. Right? Condensation hua to heat bahar phekta hai. The change of liquid to its vapor form at all temperature is called evaporation. Yes, that's correct. Particles come closer to each other ड्यूरिंग वेपराइजेशन, नो वेपराइज, देखो लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े क्लोज होते हैं, लेकिन जैसे ही आप गैस स्टेट में हो जाएगा तो जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत बहुत दूर दूर हो जाएंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। लिक्विड कैन ओनली चेंज टू वेपर स्टेट, नो इट कैन चेंज टू सॉलिड स्टेट एज वेल। चेंज ऑफ स्टेट अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर, येस राइट, जब आप बॉइलिंग करते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, मेल्टिंग करते हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। गैसेस हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, No, it doesn't have fixed volume. It neither has a fixed volume nor has a fixed shape. तो ये आपके true or false हो गए। ये question answers हैं। मैंने सारे answers लिखे हुए हैं। I'll explain one by one. What is vaporization? जब मैंने आपको lecture पढ़ाया था, तो शायद आपको पता होगा ये सारी चीजें, right? Again, I am explaining. What is vaporization? The process of change of state from liquid to gaseous state on heating. कब? On heating at constant temperature. बहुत important है। बहुत बार बच्चे ये छोड़ देते हैं, बट आंसर सही नहीं होगा अगर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं लिखा तो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपराइजेशन और बॉइलिंग, दोनों सेम ही है, वेपराइजेशन और बॉइलिंग।
boiling, both are same. ठीक है, तो ये याद रखना आप. Now, what is melting? What is melting? The process during which solid changes to liquid state on heating at constant temperature is called melting. ठीक है, तो solid जब liquid state में चला जाता है, जब आप हीट कर रहे हो तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल आइस एट 0 degree Celsius कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट 0 degree Celsius. वाटर एट 0 degree Celsius. इट्स वेरी सिंपल, राइट? लेट्स मूव टू नेक्स्ट. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन? गिवन एग्जाम्पल, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले ही फिलप्स में पढ़ा था. द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट डायरेक्टली इज कॉल्ड सब्लिमेशन. जैसे नेप्थेनिल बॉल है, ठीक है, जो सॉलिड बॉल सॉलिड होता है वो, और इट चेंजेस टू अ वेपर स्टेट, दैट्स नोन एज सब्लिमेशन, राइट? Can a substance be at the same temperature at two different states of matter? Yes. अभी आपने देखा कि भाई आइस था, आइस इसको आपने मेल्ट किया हीट सप्लाई करके, 0 degree Celsius पे आइस था, हीट सप्लाई किया, मेल्ट किया और ये वाटर बन गया, तो वाटर भी 0 degree Celsius पे था. देखो, yes, a substance can be at the same temperature at two different states of matter. For example, melting point of ice is 0 degree Celsius. While melting, the temperature remains constant. ये आपको पता है, temperature constant रहता है. When a phase change with the, when solid changes to liquid state at constant temperature, right? So here, the temperature remains constant. After being completely melted into water, this is into water. Okay. After being completely melted, the water will also be at 0 degree Celsius. If it is not heated further, अगर आप इस water को वापस heat और ज़्यादा heat नहीं करोगे तो वो 0 degree Celsius पे ही रहेगा, right? नेक्स्ट, हाउ डज द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस व्हेन लिक्विड इज कूल्ड ग्रेजुअली? देखो, लिक्विड अगर कूल होगा तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी ना, बिकॉज लिक्विड को अगर आप कूल करोगे तो क्या बन जाएगा, वो सॉलिड बनेगा. सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम होती है लिक्विड के कंपैरिजन में, ठीक है. व्हेन द लिक्विड इज कूल्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस. एज वी नो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये पता है आपको, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. आंसर इन डिटेल, राइट? दो क्वेश्चन है, विल क्विकली गो थ्रू इट. इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थियोरी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड. देखो, काइनेटिक थियोरी में क्या है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर, द मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन. जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जितने भी, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, प्लाज्मा हो, किसी में, तो मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन. वो क्या होता है, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है, एंड पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी. मतलब अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी उनके पास रहेगा. ये आपने पढ़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में रहता है तो उसके पास क्या रहता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहता है. क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहता है, ठीक है. इफ वी हीट द सब्सटेंस, द काइनेटिक एनर्जी फर्दर इंक्रीजेस. अगर आपने उसको हीट करना शुरू किया तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगा, एंड सो द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मोशन भी बढ़ेगा, एंड इन डूइंग सो व्हाट विल हैपन, ये एक दूसरे को मतलब स्पेस क्रिएट करेंगे, धक्का मारेंगे और स्पेस क्रिएट होगा, और स्पेस जब क्रिएट हुआ तो क्या हो जाएगा, इवेंचुअली सॉलिड जो है ना लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये एक मतलब काइनेटिक थियोरी के हिसाब से आप इसको मेल्टिंग प्रोसेस को समझा सकते हैं. नेक्स्ट, इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थियोरी. देखो, इवोपरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, एनी टेम्परेचर. तो यहाँ पे देखो, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पॉजेस बाय द मॉलिक्यूल्स, ठीक है. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई ये वाटर है, मान लो ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, तो इस सरफेस पे टेम्परेचर देखो, ज्यादा बाहरी टेम्परेचर और ये वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा कंपेयर टू इस पॉइंट पे, तो जो अपर सरफेस पे है उसका, उस मॉलिक्यूल्स जो होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द वाटर. दिस मीन्स दैट ऑल पार्टिकल्स डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी. मतलब यहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, राइट? बिकॉज इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसके कंपेरिजन में, राइट? तो क्या होगा, दोज विद द हायर काइनेटिक एनर्जी इज बैलेंस्ड बाय दोज विद द लोअर काइनेटिक एनर्जी. इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर. दोज पार्टिकल्स विद हायर काइनेटिक एनर्जी देन द रेस्ट ब्रेक थ्रू द सर्फेस ऑफ द लिक्विड बाय ओवरकमिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब जिसके पास काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे ज्यादा है, थोड़ा सा भी हीट इसको अगर मिलेगा तो क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल्स अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक करके ये इवोपरेट हो जाएगा. मतलब ये बाहर निकल जाएगा और कहाँ चला जाएगा, ये वेपर स्टेट में चला जाएगा. नाउ दिस इज पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर. हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तब इसके फैक्टर्स भी हैं जो आपको समझने हैं इवोपरेशन के, बट हायर स्टैंडर्ड में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है.
The particles on the surface is more free to leave. This process is called evaporation. This process is called evaporation. I hope ये सारी चीजें आपको clarity के साथ समझ में आई. अगर नहीं समझ में आया, do comments, message me. I'll again, you know, इसके मैं आपको कुछ questions भी बनाऊंगा, right? And we will have a quiz as well in this particular topic, right? Till then, take care. Bye bye.